अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 23 अगस्त बरोज़े जुमा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत थी। अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 मिनट के दरमियान समाअत हुई। ईडी के जो है लॉयर्स और एसएफआईओ के लॉयर्स ने भी अपनी तरफ से जो है अपनी अपनी बातें रखी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लॉयर्स ने भी अपनी बात रखते हुए तमाम हकायक से आगाह कराया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद में डिपार्टमेंट किसी और के हाथों में खेलने की वजह से तमाम मामलात जो हैं तितर बितर हो रहे हैं, तमाम मामलात सुलझने की तरफ नहीं आ रहे हैं। उसी चीज को डिपार्टमेंट जो है वो कुछ ऐसा कदम उठा रहा है कि कुछ ना कुछ करके उन जो जमीन माफिया हैं उनको किसी न किसी तरह से सपोर्ट पहुंचे। आप लोग समझ सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट यानी ईडी के अटैचमेंट के बावजूद हैदराबाद में ऐसे कॉलोनी टोली चौकी में जमीनों को लीज पर दे दिया गया। सैयद अख्तर एसए बिल्डर ने अपने दामाद को जो है वो फुटबॉल ग्राउंड बनाने के लिए दे दिया। चाय के ढाबे और दुकानें खुल गई और सैयद अख्तर ने खुद जो है 8 मंजिला इमारत और बिल्डिंग बना ली। ये सब कुछ जो है वो ईडी और डिपार्टमेंट और पुलिस वालों के आंखों के सामने ये सब मामले हुए हैं। लिहाजा इन सब मामलात पर फोकस ना हो, मीडिया सवाल ना उठाए, जैसे कि मैं भी बारहा इस बात को कहता रहता हूं और कहता रहूंगा कि ईडी के अटैचमेंट होने के बावजूद कैसे किस तरह से कोई बिल्डिंग बना सकता है जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ईडी के अटैचमेंट के दरमियान एक बोर्ड ये लगाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म के मुताबिक कि ये प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इसको फरोख्त करने के लिए बोर्ड लगाता है तो उस पर ईडी जो है वो एफआईआर कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ एसए बिल्डर जो है वो पूरी पूरी बिल्डिंगें बना लेता है, लीज पर दे देता है, खाने के चाय के ढाबे और होटलें खुल जाती हैं, ये ईडी को नजर नहीं आती। इस चीज को छुपाने के लिए ईडी और ईडी के तरह से जो और दूसरे डिपार्टमेंट है वहां के पुलिस महकमा जात हैं वो लोग एक चीज रटी रटी बताई बात करते हैं कि इनकी जो है बेल को कैंसिल कर दिया जाए, इनको जो है जेल भेज दिया जाए। इनकी मंशा को बराबर आप समझ सकते हैं कि ना कोई रहेगा और ना ही सवाल उठाएगा। ये कोई सवाल न उठाए कि ईडी के अटैचमेंट के दरमियान ही कैसे कोई लैंड ग्राइबर आकर के जमीनों पर कब्जा कर सकता है, कैसे कर लिया ये बताया जाए। तो इस चीज को छुपाने के लिए जिस तरह से कहते हैं कि शुतुरमुर्ग जो होता है वो अपने सामने खतरा महसूस करके अपना ही सर वो जो है रेत में घुसेड़ लेता है कि शायद कोई देख नहीं रहा है, तो ये ईडी और दूसरे डिपार्टमेंट और महकमा जात जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इस बात से पर्दापोशी करते रहें कि हमारे अटैचमेंट के दरमियान ही लोगों ने जो है यानी सैयद अख्तर टोली चौकी ऐसे बिल्डर ने कब्जा कर लिया। ये नहीं चाहते कि ये चीज राज इफ्शा हो, हालांकि ये बात सर मंजरे आम पर है और रिकॉर्ड के मुताबिक है। इसी तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी शख्स जुबली हिल के हीरा ग्रुप के हीरा डेवलपर्स के बंगले पर ईडी के अटैचमेंट के दरमियान ही कब्जा कर लेता है। अब ईडी ये चाहती है कि इस चीज को कैसे जो है छुपाया जाए, किस तरह से इसको जो है लोगों को वरगलाया जाए, उस पर से नजर हटाया जाए, कोर्ट को गुमराह किया जाए। और वो कहता है कि क्या नाम है इनकी गिरफ्तारी। अरे भाई, गिरफ्तारी करने से अगर लोगों के पैसे मिलने में मदद मिलते हैं तो बेशक आप लोगों ने 3 साल तक गिरफ्तारी की थी, कई रुपए दिला दिए भाई, कितने रुपए दिला दिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जो इनके आता है डिपार्टमेंट जिनके हाथों से कमिटमेंट है वो यही चाहते हैं कि भाई अभी कुछ जमीनें हमने बेच दी है। लैंड ग्राइबर जो है वो ये कहते हैं कि कुछ जमीनें हमने बेच दी है और कुछ बेचना बाकी है। सैयद अख्तर कहता है कि जो 8 मंजिला फ्लैट हमने प्लॉट पर बना रखा है, 8 मंजिला बिल्डिंग, उसमें से कुछ फ्लैट बिके नहीं है, कैसे भी करके इनको उलझाए रहा जाए। लोगों को पैसे देना है, उसके लिए बाहर रहना सीईओ का, और सीईओ का किसी न किसी तरह से एक्टिव होना। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बात बड़ी बावजूद अंदाज में कहा था डिपार्टमेंट को फटकार लगाते हुए कि तुम पैसा दिलाना चाहते हो या गिरफ्तारी कराना चाहते हो, तो तुम्हारी अगर मंशा गिरफ्तारी से हो सकती है, बेल कैंसिलेशन से हो सकती है, तो बेशक तुम कर लो। लेकिन अगर तुम्हारी राय हो, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अगर आप लोग मशवरा दें तो इनको मोहलत दी जाए, यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ को मोहलत दी जाए कि वो हाथ पैर मार करके बाहर रहते हुए
उन जमीनों को जहां पर उन्होंने जिन जमीनों के जरिया से लोगों के पैसे को महफूज किया हुआ है उसको फरोख्त करके लोगों को पैसे देने में मददगारी साबित हो तो अगर अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी मंशा अगर पैसे दिलाने की है तो उनको कम से कम आजाद छोड़ दिया जाए भैया, अगर आप चाहते हैं तो। इस तरह के कमिटमेंट कोर्ट ने कहा था। आज भी कुछ इसी तरह की बात आई जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लॉयर्स ने कहा कि साहब ये लोग उन लोगों को उन काबिज लोगों को नाजायज काबिज लोगों को ये लोग हटाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब कोई आप कोर्ट ये बताए कि कोई वहां पर कुंडली मार करके कब्जा जमाए हुए बैठा है, डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, उनको हटा नहीं रहे हैं, ऊपर से हमें हटा रहे हैं यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, तो कोई बायर इतना बड़ा पैसा कैसे लगा देगा, वो भटक जाएगा ना। तो उस पर आज सबसे अहम बात यह हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को यह कहा है कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं 90, 95, 100, 110 जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को फरोख्त देने के लिए फरोख्त करने के लिए मैं जिम्मेदार हूं, आप फरोख्त कीजिए, उनकी रजिस्ट्री मैं करवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। यह सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी लुबिलुबाब की बात और सबसे बड़ी माखज की बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये इजाजत दे दी। अभी तक ये इजाजत नहीं थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ एक जमीन को फरोख्त करने की, एक जमीन को फरोख्त करने की इजाजत थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह मुकम्मल तरीके से अथॉरिटी दे दी है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने हिंदुस्तान भर में फैली हुई जमीनों को जिसको भी बेच सकता है बेचे, और 2 महीने का वक्त दे करके ये कहा है कि 2 महीने अगर वक्त आपके लिए काफी है तो बेहतर है, नहीं तो हम 6 महीने का भी वक्त देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बात बड़े बर्मला अंदाज में कहा। लिहाजा आज के इस बहुत दिनों के बाद आए हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समाअत में यह बात खुल करके आई कि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथ पहले से बेहतर खुल गए हैं, अब बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टियों को फरोख्त करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मातहती में पैसे देने की बात अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब मजीद और बेहतर अंदाज में काम होने की तवक्को है और लोगों को मजीद अब खुशखबरियां बेहतर से बेहतर आती चली जाएंगी, इकदामात बेहतर से बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी बेचने की बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तस्लीम की थी। लेकिन आज की समाअत, आज 23 अगस्त बरोज जुमा की समाअत में यह बात खुल करके आ गई है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के उनमें से जिस प्रॉपर्टी पर मामला तय हो सकता है उसको फरोख्त दे करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करे। ये सबसे बड़ी खुशाइंद बात है, खुशखबरी की बात है। आप लोगों की दुआओं के लिए हदीय तशक्कुर पेश करता हूं, मशकूर हूं, जजाकल्लाहु खैरन कसीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।